असहिष्णुता पर आमिर के बयान पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने किया सवाल, डर रहे हैं या डरा रहे हैं आमिर, बयान को बताया देश की छवि बिगाड़ने वाला, राहुल गांधी ने किया बचाव। दिल्ली में दर्ज किया गया आमिर के खिलाफ मुकदमा, देश में कई जगह पर प्रदर्शन, फाड़े गए पोस्टर, एहतियातन मुंबई में आमिर के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। सिंगापुर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा हमारे राज्य में 40% बढ़ा विदेशी निवेश, आज दुनिया भर भारत के साथ करना चाहती है भागीदारी। रूसी विमान गिराने से भड़के पुतिन ने कहा तुर्की ने पीठ में घोपा छुरा, घटना के हर पहलू की सावधानी पूर्वक करेंगे विश्लेषण। और आईआईटी के छात्र को गूगल ने दिया 2 करोड़ रुपए का ऑफर, पुणे के अभिषेक आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस के हैं छात्र, गूगल के डिजाइन सॉल्यूशन सेल में करेंगे काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराधा, रुख करेंगे खबरों की ओर। बात सबसे पहले लोगों की करते हैं जिनकी जमकर तारीफ की जा रही है, भारत को सिंगापुर में विशेष तौर पर तवज्जो दी जा रही है और इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और बढ़ चढ़कर उन्होंने भारत में किए गए अपने काम को गिनवाया। भारत में जिस तरीके से भारतीयों का विकास हो रहा है उससे सिंगापुर के लोगों को अवगत कराया गया, साथ ही दुनिया का हिंदुस्तान पर भरोसा बढ़ा है, इस तमाम बात की जानकारी वहां पर दी गई। आप पूरी दौरान इस बात का भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से भारत को हर दिशा में और हर हिसाब से आगे लेकर के चलने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है। आप लोगों ने दुनिया के जिस देश में गए, जिस धरती पर पहुंचे, जान पहचान थी या नहीं थी, हालात अनुकूल थे या प्रतिकूल थे, आपने उस धरती को अपना बना लिया, आपने उस देश के लोगों के साथ आप ऐसे मिल गए जैसे दूध में शक्कर मिल जाए। लेकिन मैंने मेरे देशवासियों का जो मिजाज देखा है, भारत के लोगों ने क्या मन बनाया है, मैंने एक बार एक छोटी सी बात कही देशवासियों के सामने, मैंने कहा कि आप जो घर में गैस का चूल्हा जलाते हैं, वो जो गैस का सिलेंडर आता है उसमें करीब 500 रुपया सरकार सब्सिडी के रूप में देती है, आप ऐसे परिवार के हो कि जिसमें 500 रुपया तो चाय पान में खर्च कर देते हो, आप ये सब्सिडी क्यों लेते हो, क्या आप ये सब्सिडी छोड़ नहीं सकते क्या, इतना सा मैंने कहा था। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं मेरे देश के 40 लाख लोग परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। जितनी विविधताएं, जितनी विशेषताएं, जितने किंतु परंतु हिंदुस्तान में है उतने ही सिंगापुर में है, उसके बावजूद भी हर कोई सिंगापुरियन है, हर कोई सिंगापुर बनाने में लगा हुआ है, हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहा है, हम भी इस बात में सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। उधर
उधर देश में असहिष्णुता पर खत्म होती हुई चर्चा को बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने हवा दे दी है। एक अवार्ड समारोह में उन्होंने ये कहा कि इस ओर कई घटनाओं ने उन्हें चिंतित कर दिया है और उनकी पत्नी किरण राव ने एक बार तो यहाँ तक सुझाव दे दिया कि उन्हें देश छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। आमिर ने ये भी कहा कि रचनात्मक लोगों के लिए उनका पुरस्कार लौटाना अपना असंतोष या फिर निराशा व्यक्त करने का एक तरीका, एक जरिया हो सकता है। उनके इस बयान से एक बार देश के राजनीतिक और फिल्म जगत में फिर से भूचाल आ गया है। असहिष्णुता पर जारी बहस में अभिनेता आमिर खान भी कूद पड़े हैं। इस मुद्दे पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आमिर ने कहा कि उन्हें कई मौकों पर चेताया जा चुका है। अभिनेता ने पुरस्कार लौटाने वालों का ये भी कहकर समर्थन किया है कि रचनात्मक लोगों द्वारा अपने असंतोष को जाहिर करने का एक तरीका ये भी है। आमिर ने रामनाथ गोयनका पत्रिका पुरस्कार समारोह के दौरान कहा कि वो भी असुरक्षा और भय महसूस करते हैं और पिछले 6 से 8 महीनों में ये बढ़ता जा रहा है। I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. आमिर के अनुसार जब मैंने घर पर किरण से बात की तो उसने पूछा कि क्या हमें भारत छोड़ देना चाहिए। वो अपने बच्चों के लिए डर महसूस करती है। वो इस बात से डरती है कि हमारे चारों तरफ किस तरह का माहौल बनेगा। वो हर दिन अखबार खोलने से डरती है। उन्होंने इस माहौल को अशांति और निराशा का संकेत करार दिया। किरण एंड आई have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. इस दौरान आमिर ने राजनीतिज्ञों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि जब कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हैं और कानूनी प्रक्रिया तेज होती है तो लोगों में सुरक्षा का भाव आता है। ऐसा नहीं होने पर असुरक्षा महसूस होती है। Who are our elected representatives? People who we select to look after us for 5 years, whether that's on the state level or whether it's at the level of the center. When people take law into their own hands, when there's a sense of insecurity, we look upon these people to take a strong stance, make strong statements, and speed up the legal process to prosecute such cases. When we see that happening, there's a sense of security. When we don't see that happening, there's a sense of insecurity. आमिर दादरी की घटना के बाद आए राजनीतिक बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि हिंसा का कृत्य निंदनीय है, चाहे वो लोगों के एक समूह के खिलाफ हो या किसी व्यक्ति के खिलाफ। You know, what happened in 1984 was horrendous, and what is happening, you know, at other times also through the ages, whenever there is a violent act, when an innocent person is killed, whether it's even one single person or a collection of people, that's very unfortunate. And in these unfortunate moments, these are the moments that we look to our leaders to take a strong step. इससे पहले अभिनेता शाहरुख खान के असहिष्णुता वाले बयान को लेकर भी खूब हंगामा हो चुका है, जिसमें उन्होंने देश में असहिष्णुता फैलाने की बात कही थी। When we start questioning creativity or creative people, we are doing the most disservice to the nation. If there is intolerance to creativity, and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. Meri sirf yahi dua hai aur hope hai, jo symbolism unhone shuru kiya hai, usse kaam behtar ho jaye, usse kuch na kuch solve ho jaye. और तलब है कि हाल ही में कई साहित्यकारों ने देश में बढ़ रहे असहिष्णुता के विरोध में अपने साहित्य अकादमी पुरस्कारों को वापस लौटा दिया था। उनका कहना था कि जब से नई सरकार सत्ता में आई है तब देश का माहौल खराब हो गया। हालांकि सरकार इस मुद्दे पर कुछ बोलने से बचती रही। अब अभिनेताओं के इन बयानों ने तो सरकार के लिए और मुसीबत खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई।
तो आमिर खान के इस बयान के बाद देश में कई जगह पर आमिर के खिलाफ प्रदर्शन हुए। हिंदू संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में भले ही आमिर के खिलाफ मामला दर्ज हो गया हो, लेकिन आमिर की मुखालफत करने वाले लोगों ने कई जगह प्रदर्शन किया। इलाहाबाद में लोगों ने आमिर के पोस्टर पर काली पोती, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई में भी आमिर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। इस सब के बाद आमिर के घर के बाहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो ये तीन तस्वीरें फिलहाल हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि इलाहाबाद की है। दूसरी तस्वीर जो है वो मुंबई की है, जहां पर आमिर खान के घर के बाहर जिस तरीके से उनके खिलाफ माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है, उसको लेकर के सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तीसरी तस्वीर भी आपको मुंबई की ही हम दिखा रहे हैं। तो ये तीनों तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि असहिष्णुता पर बयान देने के बाद किस तरीके से स्थिति बिगड़ गई है, और खास करके इस मामले के जद में अब आमिर खान आ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा वक्तव्य उन्होंने इस मुद्दे पर दिया है जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वास्तव में अपने आप को वो भारत में इस तरीके से पीड़ित के तौर पर देखते हैं या ऐसा महसूस करते हैं, और सुरक्षा का भावना क्या इस कदर उनके अंदर व्याप्त है। उधर दूसरी ओर परेश रावल ने ट्वीट करके आमिर खान को सीधे तौर पर सवाल किया है। आमिर खान का बयान उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि उनकी समझ से परे है। उनका बयान गैर वाजिब बताते हुए उन्होंने कहा है कि ये चीजें साजिश के तहत की जा रही हैं, देश और सरकार को बदनाम करने की कोशिश चल रही है। अगर यही समस्या है तो भी कोई अपनी मातृभूमि नहीं छोड़कर जाता। उधर दूसरी ओर संघ प्रचारक राकेश सिन्हा ने ट्विटर पर यह लिखा है कि उन्हें जो देश अधिक सहिष्णु लगता है वो वहां जा सकते हैं। कुछ हल्कियां बेल्जियम ने बुरका, फ्रांस ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ट्विटर पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर यह कहा है कि सरकार और मोदी जी पर जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें देशद्रोही या गालियां या फिर धमकी देने के बजाय उनको सुनना चाहिए। सरकार लोगों की परेशानी सुने, सुनने से समस्या हल होगी। सरकार को लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो राजनीतिकरण पूरा अब इस मामले पर हो रहा है। वहां अरविंद केजरीवाल ने भी आमिर का समर्थन करते हुए कहा है कि मैं आवाज उठाने के लिए आमिर की तारीफ करता हूं। बीजेपी के लोगों को आवाज का को दबाना बंद कर देना चाहिए। उधर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी आमिर खान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ये कहा है कि आमिर लोगों को डरा रहे हैं, पूरी तरह से खारिज करते हैं। आमिर खान डर नहीं रहे हैं बल्कि डरा रहे हैं। इनक्रेडिबल भारत है, अतुल्य भारत है, और आमिर खान को सत्मेव जयते दूसरों को समझाने की जगह खुद पर लागू करना चाहिए। आमिर खान बयान देते हैं और राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं। राहुल गांधी के बयान से ये बात जाहिर हो गई कि देश के अंदर इस देश को बदनाम करने की एक गहरी साजिश चल रही है। आपको पब्लिसिटी मिल सकती है एक आपकी पंक्ति कहने से, आपको लाभ हो सकता है, आपको कवरेज मिल सकता है, आपको सुर्खियां मिल सकती हैं, लेकिन भारत के नाम पर इस तरह के बयान दाग लगाते। तो आमिर खान द्वारा देश में कथित रूप से बदले हुए माहौल के बारे में दिए गए विवादित बयान का असर उनके प्रोफेशनल रिश्ते पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट करके ऑनलाइन कंपनी स्नैपडील को आमिर खान से रिश्ता तोड़ने तक की सलाह दी है। आमिर खान ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर है। तो कई लोगों ने विरोध स्वरूप वहां पर अपने मोबाइल फोन से स्नैपडील के एप्स को भी डिलीट कर दिया है। वहीं कुछ लोगों ने अब स्नैपडील से खरीदारी ना भी करने की बात कही है। सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित एक पत्रकारिता सम्मेलन के दौरान आमिर खान ने यह कहा कि मैं पिछले 8 महीनों में देश का माहौल बदलता हुआ देख रहा हूं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनकी पत्नी देश छोड़ने की भी बात कह रही है।
और आमिर के इसी विवादित बयान के बाद उनको लेकर के परिस्थितियां पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही हैं। और चलिए अब रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के छात्र चेतन कक्कड़ को नामी आईटी कंपनी गूगल ने जहां 1.27 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज ऑफर देकर के नया रिकॉर्ड बनाया था, तो वहीं अब इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए गूगल ने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस के अंतिम वर्ष के छात्र अभिषेक पंत को 2 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज का ऑफर देकर के नया रिकॉर्ड बना दिया है। 22 साल के अभिषेक ने इस साल के शुरुआत में गूगल के कैलिफोर्निया ऑफिस में 3 महीने की इंटर्नशिप पूरी की थी। गूगल के डिजाइन सॉल्यूशन सेल में नौकरी पाने के लिए इनको इंटरव्यू के कठिन दौर से भी गुजरना पड़ा था। पुणे के अभिषेक CBSE से अब 10वीं के सिटी टॉपर रहे हैं और उनका परिवार 2006 में पुणे आया था। इससे पहले उनका पालन पोषण अमेरिका में हुआ। अब अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए वो अमेरिका वापस जाएंगे। अभिषेक की इस कामयाबी से उनके माता पिता बेहद खुश हैं। और अब बात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने अपने बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल इस दौरान अमिताभ बच्चन ने यह बताया कि वो पिछले 20 साल से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी की वजह से उनके लिवर का 75% हिस्सा बेकार हो चुका है। हाल ही में अमिताभ एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां पर उन्होंने ये कहा कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम हेपेटाइटिस बी है। ये बीमारी उन्हें पिछले 20 साल से है। जब फिल्म कूली के वक्त एक हादसा हुआ था, उसके बाद दिए गए ब्लड में कुछ हिस्सा हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड था और इस वजह से उनके लिवर का 1/4 हिस्सा ही बच पाया था। After 1982, in the year 2000, almost 18 years after that event, through a very normal and regular medical checkup that Dr. Barre, who's our family physician, and me went through, we discovered that indeed my liver had been infected and that I had lost 75% of my liver. So if I stand in front of you today, you are looking at a person who is surviving only on 25% of his liver. और चलिए खबरों में आम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आपके घर आंगन से, आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस चैनल 1, हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन। देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल, चैनल 1 न्यूज, अब डिश टीवी के DTH पर भी उपलब्ध। तो देखते रहिए चैनल 1 न्यूज, चैनल नंबर 567 पर। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुंबई से सटे मीरा रोड में 3 शिक्षकों द्वारा 4th क्लास की बच्ची के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है।
मामला उस वक्त खुलकर सामने आया जब बच्चे के माँ बाप ने बच्चे के व्यवहार में बदलाव देखा। 9 साल के इस मासूम ने माँ बाप के पूछने पर जो आपबीती बताई उसे सुनकर उनके होश फाख्ता हो गए। बच्चे ने यह बताया कि पिछले 1 साल से तीनों शिक्षक उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद फिलहाल आरोपी तीनों शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया है। अपने इधर दाखिल हुआ है, अपने पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में स्कूल है, वह स्कूल में चौथी में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची है, उसके साथ वो स्कूल के टीचर ने 1 साल से रेप कर रहे थे, ऐसा मामला दर्ज हुआ है एक रूम में और 1 साल से चल रहा था, इसके बारे में FIR दर्ज किया है। अब उन्होंने जो आरोपी का नाम वगैरह बताया वो सब हमने अरेस्ट कर दिए, आज वो रिमांड के लिए लेके गए। अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी जो भी हम स्टेटमेंट ले रहे हैं उसमें सब हम स्टेटमेंट के बाद में ये सब बातें सामने आ जाएगी, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। तीनों आरोपियों के बारे में जानना चाहिए सर, कब से वहाँ पर पढ़ाते थे, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या क्या, और किसी और बच्चों के साथ भी इन्होंने ऐसा किया होगा आपको शक? ऐसा अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं कुछ आया है, लेकिन उस सब इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में अभी चालू है, उसका पूछताछ तो सब स्टेटमेंट के बाद बातें सब डिस्क्लोज हो जाए। सर, ये कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे टीचर, कब से वहाँ पे काम करते हो? क्या पीटी टीचर और ड्राइंग टीचर है, दो ड्राइंग टीचर है और एक पीटी टीचर है। कब से वहाँ पे काम कर रहे हैं? उनका भी डिटेल हमने ले रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं। उधर पिंपरी चिंचवड़ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला मैदान के पास RPI की ओर से महाराष्ट्र राज्य महिला अखाड़ी द्वारा भव्य राज्यव्यापी महिला अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और दलितों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। सभा की अध्यक्षता चंद्रकांता सोनकांबले के साथ RPI महिला अखाड़ी की महाराष्ट्र अध्यक्ष आशाताई और महाराष्ट्र सचिव गीता कपूर ने भी महिलाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन RPI के अध्यक्ष रामदास अठावले द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। चंद्रकांता सोनकांबले जी, हमारे आशाताई लांगे, ये बहुत मेहनत करते हैं। आज आपने देखा कि कितना क्राउड था हमारे यहाँ, इतनी महिलाएं आई थी कि हर एक इससे महिलाएं आई थी, सब महिलाएं ने सपोर्ट किया हमको, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा हर जिले में हर शहर में मेलावा हो जाए, हमारा RPI को सपोर्ट मिले, रामदास अटोली जी को सपोर्ट मिले और हमारे आशाताई लांगे चंद्रकांता सोनकांबले जी बहुत मेहनत करते हैं और हमारे अटोले साहब तो ही है, वन मैन शो है और हमारी महिलाएं स्ट्रांग है, तो हमारा सहकार्य पूरे देश भर में हमारा नाम हो गया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और आज का जो महिला मेलावा हो गया है और इतने क्राउड में महिला आई है कि महिलाओं की शक्ति मालूम पड़ रही है कि कितनी महिला स्ट्रांग है हमारी, तो हमारे सहकार्य सब महिलाओं के है लिए है, RPI का सहकार्य रहेगा, यही मैं बोलूंगी। उधर दूसरी ओर टटवाला के मलस्कर रोड पर मौजूद एक फार्म हाउस पर डकैतों ने दिन दहाड़े हमला बोल दिया। डकैत लगातार अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे और 45 मिनट तक माँ बाप और दो बेटे डकैतों के संघर्ष करते रहे। एक गोली बुजुर्ग बाप को लगी लेकिन दरवाजा खोला नहीं गया। पुलिस के पहुंचने की आहट से डकैत भाग खड़े हुए लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने इस परिवार को घर छोड़ने की सलाह दे दी। दरअसल 3 महीने पहले इसी घर में 10 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले डकैत अब तक पकड़े नहीं गए कि आज एक और हमला हो गया और इन घटनाओं से डरा हुआ अचरेकर परिवार इस बात को लेकर के सकते में है कि डकैतों को पकड़ने के बजाय पुलिस उन्हें ही आखिर घर छोड़ने की सलाह क्यों दे रही है। सात के बजे वो गोलियां उड़ाते उड़ाते वो आदमी खिड़की के ऊपर आया और बोलता है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नहीं तो हम लोग गोलीबार करेंगे। तो उसने हम लोग दरवाजा नहीं खोला तो उसने गोली मारने को चालू किया, तो मेरा छोकरा छोटा था, उसने आके दरवाजे को कड़ी लगाया अंदर से और तब तक उसने 2 बार गोलीबार किया, तो हम लोग बेडरूम से हॉल में गया तो हॉल का विंडो से गोली डाला तो उधर का कांच टूट गया, तो बाद में हम लोग पूरा लाइट ऑफ किया, बंगले का लाइट ऑफ किया तो आदमी के पास बैठ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कुछ और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
नमस्कार। चैनल वन हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन, देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल। चैनल वन न्यूज अब डिश टीवी के डीटीएच पर भी उपलब्ध, तो देखते रहिए चैनल वन न्यूज चैनल नंबर 567 पर। नमस्कार, फिट रहे मुंबई में मैं फिटनेस एक्सपर्ट आपकी कविता आपका स्वागत करती हूं। और आज के इस फिटनेस के सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं वार्म अप एक्सरसाइज। शुरुआत करेंगे हम नेक रोटेशन से, उसके बाद में शोल्डर रोटेशंस, देन कंप्लीट हैंड रोटेशन, हाथों को घुमाना आगे और पीछे की तरफ, इसके बाद कमर को दोनों तरफ घुमाना, देन साइड बेंडिंग, इसके बाद फ्रंट बेंडिंग एंड देन फ्रंट बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग। सिमिलरली अपने नीज को आप नी जॉइंट को एक्सरसाइज दे सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद अपने पंजों को लिफ्ट अप करें एंड देन डाउन, देन ऑन योर हील्स एंड देन डाउन। सो ये सब सारे वार्म एक्सरसाइजेस हैं जो कि करना बेहद ज़रूरी है। हम अपने अलग सेगमेंट्स में आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस बताते रहेंगे, लेकिन फिट रहे मुंबई में आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, लेकर हाजिर हूं आपका बहुत ही करीबी शो, पसंदीदा शो जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस, यानी आपके गांव की खबरें, आपके शहरों की खबरें। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो कोई नहीं दिखाता उसे हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस।